फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो अभी मैं बस ब्रश करके छत पे आई हूँ और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैंने सोचा पहले मैं अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर लूँ, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। तो चलिए पहले मॉइस्चराइज कर लेते हैं, फिर नीचे जाते हैं, देखते हैं, ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे। क्योंकि मैं अभी अपने मायके में हूँ और चारों भाई बहन साथ हैं, तो कुछ भी बनाते हैं तो मज़े से खाते हैं, पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए नीचे चलेंगे, पहले स्किन को मॉइस्चराइज कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज वगैरह कर लिया है, थोड़ा बहुत जो भी था मैंने लिप बाम वगैरह लगा लिया है और अब मैं जा रही हूँ नीचे। सबसे पहले गर्म पानी पीऊँगी, चाय पीऊँगी, फिर देखती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी में क्या क्या हो रहा है और मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और संजोग से मेरे फ़ोन का बैटरी भी लो है, तो सबसे पहले फ़ोन को चार्ज में लगाऊँगी, फिर आप लोगों से बात करूँगी। यहाँ पे बन रहे हैं पराठे। मैंने आपको बोला था कि नाश्ता नीचे क्या तैयारी हो रही है, तो यहाँ पे पराठे बन रहे हैं और पापा के लिए आलू गोभी का भाजी रेडी है और ये यहाँ पे आटा गूंदा हुआ है और अभी पराठे बन रहे हैं, तो पापा को फटाफट पराठे और भुजिया दिए जाएंगे और पापा नाश्ता करके जाएंगे अपने ड्यूटी पे। तो यहाँ पे पराठे बना रही है मेरी छोटी सिस्टर। सो इस पे चला गया है पराठे। फ्रेंड्स, यहाँ पे पराठे बन रहे हैं, मैं ही बना रही हूँ, मैं वीडियो भी बना रही हूँ और पराठे भी बना रही हूँ, दोनों काम चल रहा है। छोटी बहन गई है पापा को तो तक देने के लिए, नहीं तो पापा जल्दी से भी भाग जाएंगे। दे आती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पराठे बन गए और मैं अपने लिए पराठे ज़्यादा नहीं खाती हूँ, ज़्यादा रिफाइन वगैरह फालतू में चर्बी निकल जाता है, यानी कि फैटी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ये रोटी सेक रही हूँ, मैं रोटी खाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए रोटी हो गया, तवा भी उतर गया और फिर से यहाँ पे बन रहा है चाय, क्योंकि मुझे एक बार और चाय पीना है। यहाँ पे फिर से चाय बन रहा है और यहाँ पे लब्बों को लग गया थोड़ा सा कान में ठंडा, तो लब्बिया की ओर यहाँ पे सिकाई और ये देखिए बिहारी जुगाड़, ये सरसों का तेल है और वो दिया है ऐसे ऐसे सेक करके और फिर इसको कान में सेका जा रहा है। ये देखिए, इससे बच्चे को जो ठंडा लगता है वो ठंडा खत्म हो जाता है। क्या हुआ लव्या? दर्द कर रहा है। कहाँ पे दर्द कर रहा है? ओहो, अब ठीक हो जाएगा, देखो ना अभी सिकाई हो रही है ना, ठीक हो जाएगा। दर्द करता है? और बेटा मेरा क्या कर रही है नाश्ता, ये उसकी मासी खिला रही है उसे नाश्ता। क्या खा रही है लव्या? बाबू। नहीं, नाश्ते में क्या खा रही है? गोभी भुजिया नहीं खाई? नहीं खिलाई माची। नहीं खिलाई? ये देखिए गाइस, वहाँ पे जो टेंट लगा था जहाँ पे भोज हो रहा था, वो टेंट अब खुल गया है, सारा कुछ ट्रैक्टर पे लेके अब उसको जिसका है वो अपने घर लेके जा रहा है। जनरेटर वगैरह, चेयर वगैरह जो भी था वहीं पे टेंट लगा था जहाँ पे भोज वोज हो रहा था, तो वो सारा कुछ ख़त्म हो गया अब, तो अब सब अपने घर जा रहा है। रजनी मेरी छोटी बहन सब्जी काट रही है, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाएगी और आज फिर हमारे यहाँ एक गेस्ट को हम लोगों ने निमंत्रण दिया है, वो गेस्ट हमारे यहाँ खाने वाले हैं, तो बस उसी के लिए प्रिपरेशन हो रही है कि उनको क्या क्या खिलाया जाएगा, तो बस उसके लिए यहाँ पे सब्जी उब्जी कट रही है। हाँ, तुम भी खाना, ये लहसुन छिला जा रहा है, तो देखते हैं। मम्मा फिश भी, फिश भी खाएंगे, फिश शाम में बनेगा, तो देखते हैं उनके लिए क्या क्या खाना बनता है। और ये यहाँ पे पकौड़े के लिए प्याज वाले पकौड़े बनेंगे, उसके लिए यहाँ पे प्याज कटे हुए हैं, अब इसमें बेसन वगैरह मसाले वगैरह मिक्स होंगे और इधर खाना चढ़ा हुआ है दोनों तरफ, देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है आज का खाना जिसमें कि चावल तो बना ही था और ये रहा प्याज वाले पकौड़े की कढ़ी, एकदम खट्टी वाली कढ़ी, दही दिया हुआ बहुत ज़्यादा इसमें, और ये है आलू गोभी की सब्ज़ी और ये रहा आलू गोभी का भाजी, पापड़, सलाद। तो ये है आज का हमारा खाना, चलिए खाते हैं फिर आप लोग से बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, खाना पीना हो गया और अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा लेटे हुए हैं मैं और लव्या, लव्या का थोड़ा सा तबीयत मैं डाउन देख रही हूँ, थोड़ी सी उदास हो गई है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आराम भी कर लूँगी और लव्या को थोड़ा सा टाइम भी देती हूँ, और चलिए मैं थोड़ा सा आराम करके फिर शाम में देखते हैं कैसे क्या प्रोग्राम है, आज खाने में क्या बनता है। आज देखते हैं फिश या मटन मंगवाएंगे, वही खाने का मन है, तो
थोड़ी देर पहले आराम कर लेती हूँ, फिर देखते हैं शाम का क्या प्रोग्राम है, फिर आप लोग से बात करते हैं चाय के टाइम पे। सो फ्रेंड्स, अभी शाम हो गई है और शाम के 7 बजने वाले हैं, और यहाँ पे बिहार में भी ठंडा है, मतलब शाम के हो रहे हैं वही 7 बजने वाले हैं। तो मैंने एक कप चाय पी लिया है, मैं दूसरा कप चाय पीने जा रही हूँ, और मेरा फ़ोन छत पे ही रहता है क्योंकि इधर नेटवर्क जो है ना नीचे उतने अच्छे से नहीं पकड़ता है, तो छत पे ही फ़ोन रहता है क्योंकि कोई किसी को फ़ोन लगाना होता है या फिर कुछ वीडियोज़ वगैरह पब्लिश वगैरह पे लगाती हूँ तो नेटवर्क पे तो छोड़ना पड़ता है फ़ोन को, तो फ़ोन मेरा छत पे ही रहेगा एंड चार्जर भी लगा हुआ, चार्ज तो नीचे भी हो सकता है बट नेटवर्क छत पे ही आता है। तो मैं फ़ोन को छत पे ही छोड़ के जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ, चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद और अभी अब बन रहा है फिश, यानी कि आज मछली बन रहा है, मछली चावल राइस रोटी चपाती जो भी है ये सब बन रहा है, तो ये सब आज खाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, चाय वाय पी लेते हैं, देखते हैं क्या काम है, उसके बाद आपसे फ्री होके मिलेंगे। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, एक्चुअली कल शाम में चाय पीने के बाद मैंने बोला था कि हमारे यहाँ मछली आया हुआ है, मछली बनेगा, तो नीचे जब मैं गई छत से नीचे तो काम में उलझ गई, फिर वीडियोज़ बनाने का टाइम नहीं मिला और खा के सो गई क्योंकि ठंड काफ़ी है, तो खा के सो गई, तो आलस में जो है फ़ोन निकालने का मन नहीं हुआ, तो मेरा वीडियोज़ अनकम्प्लीट रह गया, कम्प्लीट नहीं हुआ। तो मैंने सोचा आज मैं अपने वीडियोस को कंप्लीट कर लूँ, तो फिर से सुबह हो गई है, खा के सोए सुबह हो गई, और जो है अभी मैं वीडियोस आज मैं अपना कंप्लीट करूँगी। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:15, और 9:15 के टाइम बिहार का क्या स्थिति है कुहासे से ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी, कि 9:15 बजे देखिए धूप का कहीं पर दर्शन नहीं है और क्या स्थिति है। हम लोग समझते थे कि दिल्ली में ज़्यादा ठंड होती है, बट दिल्ली तो फिर भी बहुत अच्छा है, बिहार में जो ठंड होती है मैं आपको क्या बताऊँ, ठंड नहीं है यानी कि कुहासे से धूप नहीं निकलते हैं और धूप के कारण चारों तरफ अंधेरा अंधेरा लगता है, बट दिल्ली में ऐसा नहीं होता। दिल्ली में फिर भी हम लोग ठीक रहते हैं क्योंकि थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो अच्छा रहता है, पैक पैक रहता है, ज़्यादा असर नहीं होता है, बट इस कुहासे में जो है आंगन में घूमना कहीं बाहर जाना इस कुहासे में मतलब कि समझिए आप इतना ठंड लगता है, इतना ठंड लगता है कि क्या बताएं। बट बाहर हम रहते हैं तो चारों तरफ से पैक रहते हैं, ज़्यादा ठंडा ज़्यादा कुहासा हमें असर नहीं करता है, बट बिहार का क्या स्थिति है ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा रही हूँ कुछ इस तरह से, और ये जितना भी आपको ये दिख रहा है ये सारा फॉग है यानी कि कुहासा, ये पूरा कुहासा है, जो लग रहा है बादल है वो बादल नहीं, वो पूरा कुहासा है। मैं आपको चारों तरफ दिखा रही हूँ, देखिए ये सारा कुहासा है, आसमान तो ऊपर है लेकिन ये अभी कुहासा और आसमान दोनों सेम सेम दिख रहा है, ये स्थिति है। ये देखिए ये पूरा कुहासा है, ये देखिए इतना नीचे कुहासा, ये देखिए ये जो भी है ये सब कुहासा, ये आसमान नहीं है, ये मत समझिएगा मैं आपको आसमान दिखा रही हूँ, कुहासे का ये स्थिति है कि ये लग रहा है कुहासा और आसमान सेम सेम दिख रहा है। ये देखिए ये कुहासे का ये स्थिति है, ये देखिए क्या स्थिति है कुहासे का, और सुबह के 9:15 या 9:30 हो रहे आई थिंक, और उसमें ये हाल है कुहासे का, और दिसंबर का ये मंथ जा रहा है तो समझिए जो इसी तरह से रहता है। हम लोग दिल्ली को या कहीं बाहर को बदनाम करके रखते थे कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बाहर में फिर भी हम लोग ठंड से राहत रहती है हम लोगों को क्योंकि हम लोग पैक पैक रहते हैं। और ये देखिए ये जो खुला खुला चारों तरफ है, सर पे छत नहीं रहता है बिहार साइड गाँव साइड, तो इसमें हमें घूमना फिरना पड़ता है और इससे क्या होता है कि सर्दी लग जाती है, ठंड लगती है, और बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि जितने भी कुहासे होते हैं उसमें बच्चे घूमते रहते हैं, इससे क्या होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। तो देख लीजिए क्या स्थिति है, ये देखिए फिर भी जिसको जो काम करने का है वो कर रहे हैं, जिसको जहाँ जाने का है वो जा रहे हैं, सुबह सुबह हम लोग जगते हैं देखते हैं 5 बजे कोई अपने काम पे जा रहा है, कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, तो जिसको जहाँ जाना है वो सब जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुहासे के कारण किसी का भी कोई काम रुका हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जिसको ये बोलना है कि अरे ठंड बहुत है घर से बाहर मत निकलो कुहासे बहुत है, तो वो अपना दुबके हुए हैं, बाकी ठंड है फिर भी सबका जो काम है वो चल रहा है, और इतना ठंड भी नहीं है। मैंने बस एक ब्लेज़र पहन रखा है और सर पे एक स्कार्फ लगा रखा है, ठंड बहुत नहीं है। जो बोलोगे आप पे बहुत ज़्यादा ठंड है कैसे बाहर निकले, ठंड बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नॉर्मल ठंड है, लेकिन कुहासा ऐसा है, बस कुहासे के कारण लग रहा है कि कितना ठंड है, बट ठंड बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स देख लिया आपने कि कितना कुहासा बढ़ा हुआ है, और देखिए ठंड में बोलोगे आप तो बस मैंने एक ये पतला वाला ब्लेज़र पहन रखा और एक अंदर टॉप है बस, और एक ब्लेज़र और एक सर पे ये स्कार्फ लगा रखा है ताकि मतलब वो जो कुहासे गिरते वो सर पे ना हो और थोड़ा ठंड से मतलब मुझे जुकाम लग जाता है फटाफट, तो इस कारण मैंने ये स्कार्फ लगा रखा है। बाकी ज़्यादा ठंड नहीं है ना, मैंने सॉक्स वगैरह पहन रखे हैं, ये देखिए सॉक्स वगैरह भी नहीं पहन रखे हैं,
बिल्कुल नॉर्मल हूँ और ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो ठंड नहीं है, बस कुहासे का ये हाल है। और अभी जो है थोड़ी देर पहले ही जगी हूँ और अब थोड़ा सा जा रही एक्सरसाइज करने के लिए, यानी कि योगा वगैरह करने के लिए। तो पहले वो कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। एंड से योगा वगैरह हो गया और अब नीचे जा रही हूँ चाय पीने के लिए। चलिए आप लोगों को भी ले चलती हूँ। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, ये रोड है और रोड का नज़ारा देखिए एक तरह से अच्छा भी लगता है। वहाँ की ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चलिए नीचे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बना रही है रजनी चाय और मैं आ गई हूँ छत से नीचे। पहले यहाँ पे गर्म पानी पियेंगे, गर्म पानी भी हो रहा है तो पहले गर्म पानी पियेंगे फिर चाय पियेंगे और उसके बाद देखते हैं नाश्ते में क्या तैयारी करनी है। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पी रही हूँ मैं गर्म पानी पहले और ये मेरा चाय भी आ गया। चलिए पहले पानी पी लेते हैं। छत पे बैठा हुआ और उधर देखी कुहासी। मैं आंगन में बैठी हूँ, फिर देखी कुहासी का हाल। क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए जल्दी बोलो, क्या चाहिए? ठंडा लग रहा है, क्या कर रही है गुल्ली? ए गुलगुलिया, क्या कर रही है? कुछ नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे दरवाजे पे ये देखिए बेलपत्र का पेड़। बेलपत्र के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे दरवाजे पे ही बेलपत्र का पेड़ है। और ये देखिए बिहार साइड जो गाय भैंस होते हैं उसको किस तरह से स्वेटर जैकेट पहनाया गया है। घर का जो रद्दी कपड़ा होता है, बिछावन होता है, वो सब गाय माल पे यूज कर दिया जाता है। ये देखिए सुबह सुबह बेचने आ गया बर्तन। तो इस तरह से जो आप गाय भैंस को ठंडा में कपड़ा पहना सकते हैं। यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, पास आए यूं मुस्कुराए।